सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाइफा स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो मेरा होगा मैथ का सेशन, उसमें हम लोग तीसरे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की दो क्लासों में मैंने आपको दो मॉडल पेपर बताए हैं। पहले के मॉडल पेपर में मैंने आपको टोटल 16 क्वेश्चन बताए थे और कल के मॉडल पेपर में मैंने आपको 12 क्वेश्चन बताए थे। बहुविकल्पी प्रश्न मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि उनका लेवल कैसा आता है वो सभी लोग जानते हो। केवल मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूँ जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। मॉडल पेपर से आप लोग ये मत समझना कि क्या क्वेश्चन यही हमारे पेपर में आएंगे, तो ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉडल पेपर केवल इसलिए होता है कि हम एनालाइज कर सकें कि क्वेश्चन समथिंग में कैसे आ सकते हैं। जहाँ तक मेरी सोच है, क्या वहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं, ये होता है मॉडल पेपर का नियम। बाकी ये कोई मत दिमाग में रखें कि क्या मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन ही हमारे पेपर में आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर प्रीवियस ईयर से आ सकते हैं, पेपर हमारे बुक के आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, ऐसे करके क्वेश्चन हमारे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। आज है हमारा थर्ड मॉडल पेपर, डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि यदि x बराबर 5 हो तो 5x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2 का मान बताओ। आपको बताना है कि इस समीकरण लिखा है 5x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2, बहुपद जो लिखा है त्रिघात बहुपद, इसमें अगर x बराबर 5 रख देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा वो आपको बताना है। तो जितने भी साथी भाई वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कुछ नहीं करना है, केवल जहां पर x है उसके स्थान पर x रख देंगे और अपना मान लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या लगा लेंगे यहां पर। तो देखिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। यहां हो जाएगा मेरा 5x क्यूब प्लस का हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर और प्लस का 2। अब हम इसमें क्या रखेंगे, 5। यहां देखो x बराबर 5 है, तो मैं ब्रेकेट में लिख भी सकता हूँ x बराबर 5 रखने पर, क्योंकि क्वेश्चन तो हमसे यही कह रहा है ना। अब यहाँ देखो रखेंगे दोस्त, तो यहाँ रखेंगे 5 गुणे एक्स बराबर कितना रखना, 5। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 5 की पावर 2, क्योंकि एक्स की पावर 2 था और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और 5 का क्यूब कितना होता है, 5 × 25 = 125, तो ये हो जाएगा 125 प्लस का 5 का स्क्वायर होता है कितना भैया, 25, तो ये हो जाएगा 3 × 25 और प्लस का 2। अब इसको हम सिंपल से सॉल्व कर लेंगे, तो 5 × 25 के 5 हासिल आ गया 2, 5 × 10 2 × 12 के 1 हासिल आ गया 1, 5 × 1 = 5 और 5 × 1 = 6, 625 प्लस 25 3 हो गया 75 और प्लस का कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर अपन लोग ऐड कर लेंगे, 5 × 5 = 10 2 × 12 के 2 हासिल आ गया 1, 2 × 7 = 9 9 हो गया और 9 × 1 = 10 = 0 हासिल आ गया 1, 6 × 1 कितना हो गया, 7। तो 702 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, कितना, 702 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है और उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, वेरी गुड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सभी लोगों ने नोट कर लिया, आशा करते हैं सभी साथियों का इतना ही आंसर आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। आप लोग सभी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से बनाए गए हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। केवल आपका लेवल को देखकर ही ये सब काम किया जा रहा है, ये मत समझना कि ये सब लेवल के बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कहा गया, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया गया, क्या कर दिया गया, 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कटौती, कटौती कर दी गई। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछे हैं वो समझना, क्वेश्चन पूछे हैं क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कैसे लगाना है वो सभी को पता है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से बताया दे रहा हूँ कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कटौती कर दी गई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल अगर बढ़ रहा है तो कितने परसेंट बढ़ेगा, क्षेत्रफल घट रहा है तो कितने परसेंट क्षेत्रफल घटेगा, उसकी गणना आपको करनी है। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले वाले मॉडल पेपर मैंने 2 कराए, उससे पहले मॉडल पेपर मैंने 1 कराया है, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है क्योंकि नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। और यह फर्स्ट सेमेस्टर में था भैया आपका परसेंटेज, सेकेंड में वैसे नहीं है लेकिन फर्स्ट में था और सेकेंड में आ भी सकता है। तो चलिए सभी साथी बताएंगे। तो मैंने बताया था, बहुत साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, तो देखिए मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे। सिंपल है, आप यहाँ पर तुलना करोगे, है ना, बिल्कुल तुलना करोगे। तो कहने का मतलब आयत की लंबाई चौड़ाई पता तो है नहीं, तो मैं यहाँ पर मान लूंगा आयत की लंबाई 100 रही होगी। कितनी रही होगी, 100। मैंने बताया था ऐसे केसों में क्या मानते हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी रही होगी, 100 रही होगी। लंबाई चौड़ाई कितनी रही होगी, 100 रही होगी। तो ये होगी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई 100-100। तो आयत का यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे का क्या होता है सर, चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई गुणे का चौड़ाई यानी कि 100 मल्टीप्लाई का अगर मैं 100 करा दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरा 10,000। 10,000 क्या आ जाएगा मेरा क्षेत्रफल। अब ये तो क्षेत्रफल हो गई कि मैंने माना 100-100 रहा होगा तब, लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं उसके हिसाब से चलेंगे, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी भाई, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई देखिए 10% वृद्धि, लंबाई में 10% वृद्धि, लंबाई अगर 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब 110 हो जाएगी। और आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई जरा बताना, आयत की चौड़ाई में कहा गया है 10% कटौती, मतलब कम कर दिया गया, तो 100 थी तो क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, यही तो हो जाएगी ना, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई मेरे, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा लंबाई और मल्टीप्लाई का क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई रखेंगे 110 और गुणे चौड़ाई रखेंगे 90, तो यहाँ पर 1190 हो जाएगा, 99, ये 0 2 0, यानी कि 9,900। तो आप एक बात समझिए, जब 100-100 था, जब अपने आप में 100% सा रेक्टेंगल, तो उसका एरिया 10,000 आ गया, लेकिन जब आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% घटाई गई तो क्षेत्रफल 9,900 रुपए आ गया, 9,900 आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कटौती हुई, और कितने की हो गई, तो वो 100 की हो गई। कटौती कितनी की हो गई, 100 की हो गई, और कहाँ से हुई, 10,000 से, क्योंकि पहले वाले से तो करेंगे, तो ये हो गया 10,000, और गुणे का क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि प्रतिशत में गणना करेंगे, तो सिंपल से 1, 2, 3, 4, चारों जीरो खत्म, तो क्या बच गया, 1% कमी हमारा आंसर आ जाएगा, उसके क्षेत्रफल में 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग 2 मिनट में लगा सकते थे, कैसे, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया था, 10% की वृद्धि तो इसका मतलब 110, 10% की कमी तो इसका मतलब 90, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बस। तो देखिए यहाँ 2 0 2 0 कैंसिल, 1190 ये हो गया 99, और पहले था मेरा 100, अगर 100 से 99 घटाएंगे तो 1% की कमी आ जाएगी, विद इन 2 सेकेंड में भी लगा सकते हो। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने, ऐसे क्वेश्चन कैसे लगते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्लियर है ना दोस्तों, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा 3 नंबर क्वेश्चन, उसको लगाने का प्रयास करेंगे और उसकी भावनाओं को समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। जितने भी साथियों ने भाई अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ने का प्रयास किया करो, टाइम बहुत कम है। आज मेरा 1 नवंबर चालू हो चुका है और आपको पता भी है कि कितना मेरे पास टाइम बचा है और हमको कैसी तैयारी अपनी करनी है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक गांव में
परिवारों की संख्या, एक गांव में परिवारों की संख्या, एक गांव में परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या हमको दी गई है, कितनी दी गई है, तो परिवारों की संख्या दी गई है 5x² + 3x + 6, 5x² + 3x + का 6 है। क्वेश्चन कहा गया है यदि एक परिवार में 4x सदस्य हो, यदि एक परिवार में 4x सदस्य हो, 4x कौन हो, सदस्य हो, 4x सदस्य हो, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन सुनो भाई साहब पहला क्वेश्चन सुनो। पहला क्वेश्चन है कुल व्यक्तियों की संख्या। पहला क्वेश्चन है कुल व्यक्तियों की क्या बताना है, संख्या। और दूसरा प्रश्न आपका क्या है, दूसरा प्रश्न है x = 2 तो कुल व्यक्ति, अगर x = 2 हो तो कुल व्यक्ति बताओ, हो तो कुल व्यक्ति बताओ, कुल व्यक्ति बताओ। अब बताइए यहाँ पर ये क्वेश्चन लगाइए। देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपने किया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में परिवारों की संख्या 5x² + 3x + 6 है, यदि एक परिवार में 4x सदस्य हो, तो पहला क्वेश्चन कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है, x = 2 हो तो कुल व्यक्ति संख्याओं में बता दीजिए, यानी कि नंबर में बता दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्या करिए, अपने ऊपर लेकर करिए, अपने ऊपर जितना लेकर करोगे मैथ उतनी ज़्यादा आसान लगेगी। ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे गांव में मान लिया मेरे गांव में भैया 5 परिवार हैं, फैमिली कितनी है, 5 हैं, और प्रत्येक फैमिली में मेंबर कितने हैं, तो प्रत्येक फैमिली में 3 मेंबर हैं। मैं कहूँ टोटल कितने लोग होंगे, तो आप कहोगे 15 पीपल होंगे, 15 लोग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, पहले क्वेश्चन का जवाब लाने के लिए मल्टीप्लाई, और जो आएगा उसमें x = 2 रख देंगे, हमें कुल संख्या पता चल जाएगी, है ना। तो चलिए भाई, बहुत साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझेंगे, क्वेश्चन कह रहा एक गांव में परिवारों की संख्या, भाई परिवार कितने हैं, फैमिली कितनी है, जरा बताओ परिवार, तो परिवार हैं आपके 5x² + 3x + 6, ये परिवार हैं, इनको मैंने ब्रेकर भी बंद कर लिया। एक परिवार में सदस्य हैं 4x, तो अगर मैं परिवार की संख्या को सदस्य की संख्या से मल्टीप्लाई करा दूं, तब हमको क्या पता चल जाएगा, कुल संख्या पता चल जाएगी, यही तो ना, बोलो यही तो होगा भैया, कुल संख्या पता चल जाएगी। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 4x का गुणा 5 से कराएंगे, तो 4 × 5 = 20, यहाँ x², यहाँ x, तो ये हो जाएगा x³ + 4 का 3 से करेंगे, तो 4 × 3 = 12, और x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 6 = 24, और ये हो जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। तो ये हमारा क्या आ गया भैया, कुल संख्या आ गई, यानी पहले का आंसर आ गया क्या, 20x³ + 12x² + 24x, ये पहला का आ गया। अब दूसरा प्रश्न है कि x = 2 हो तो इसमें केवल x का मान रखेंगे, बस हम लिख भी सकते हैं इसके आगे x = 2 रखने पर, x = 2 रखेंगे तो हमको नंबर में पता चल जाएगी कि व्यक्ति कितने हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं x = 2 रख लूँगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 20 × x³, तो यहाँ हो जाएगा 2³ + 12 × 2² और +24 × 2, सिंपल सा यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई 2³ × 2² = 4² = 8, ये हो जाएगा 8 + 12 हो जाएगा, और 2³ = 4 हो जाएगा स्क्वायर, +24 × 48 हो जाएगा, गुणा करके जोड़ लेंगे, 8 × 16 = 160 +12 × 4 हो जाएगा 48 और +48 = 96, और 160 में अगर 96 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा आपका राइट आंसर, कितना आ जाएगा 256, इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा, कितना होगा 256, इट विल बी राइट आंसर, 256 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे, फिर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी भी साथी को अगर कोई दिक्कत हो रही है
तो वो पूछ सकता है। लेकिन कुछ साथी कह रहे हैं कि सर आप कमेंट नहीं देख रहे हो। अगर भाई कमेंट देखने लगेंगे तो यहाँ पढ़ाएगा कौन? आपके कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश की जाती है, तो ये मत समझना कि हम कमेंट नहीं देखते हैं। रमन सर कमेंट आपके देखा करते हैं, ठीक है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी भी साथी को दिक्कत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इतने क्वेश्चन आप इस टाइप के क्वेश्चन किए पड़े हो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चनों को। और याद रखना ऐसे क्वेश्चन पेपर में हर बार आए हुए हैं, हर बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चनों का कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रखा है तो आपको एग्जाम में क्या होगी, प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़ते हैं भाई मेरे 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया वो समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया 101 का स्क्वायर को सर्वसमिका से हल करो। सर्वसमिका से हल करो, अब लगाओ सर्वसमिका से हल करो। तो भाई इसका जवाब तो आप तुरंत दे सकते हो, लेकिन अब इसको आप पूरी मेथड से नहीं दे सकते हो, क्योंकि इतना कमेंट में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हमने बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हमको उसको 100 के फॉर्म में तोड़ना है। हमको उसको ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि हमको आसानी हो जाए। तो मैं 100 को क्या कह सकता हूँ भाई, मैं 101 को क्या कह सकता हूँ, 100+1 का स्क्वायर कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो होता है। तो अगर मैं इसको खोलूंगा, इसको खोलूंगा तो सबसे पहले हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी 2×100×1। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, 1 का वर्ग 1 और 2×2 4×0 यहाँ पर लग जाएंगे, यानी 10,000 हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1, 100×2 200, 201 का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे सिंपल से, तो यहाँ हो जाएगा भाई 1, फिर हो जाएंगे आपके 1 0, फिर 2, उसके बाद आपके बचेंगे क्या, 10,201 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,201 कितना बच जाएगा, 10,201 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 10,201 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10,201, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 10,201। चलिए नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फटाफट से भाई नोट कर लीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं। कितना आंसर आ गया, 10,201 आ गया, 10,201 आ गया, कितना आ गया, 10,201 आ गया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको लगाने का प्रयास करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगर आपने सर्वसमिका भाई याद कर रखी है, सर्वसमिका अगर आपको याद है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे, अलजेब्रा के आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, बहुत दिन हो गए मैंने आपको नहीं बताया है। तो क्वेश्चन कह रहा है 2x+1/3x बराबर हमको दिया गया है 25। तो हमसे पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया 4x² + 1/9x² का मान बताओ, का मान बताओ। तो सभी साथी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, कूल माइंड होकर पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसका आंसर आपको देना है। देखिए मैंने कई बार आपसे बताया दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है कि एग्ज़ाम इतने समीप हैं, इतने पास हैं, हम क्या करेंगे इतने दिनों में। तो आप अगर चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, उसके लिए केवल आपको एकाग्र मन से स्टडी करना पड़ेगा, केवल फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई के ऊपर। बाकी टाइम तो आपके पास बहुत सारा है, ढेरों टाइम है, आपको अपना टाइम जहाँ भी इन्वेस्ट करना है वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन केवल भाई मेरे एग्ज़ाम के टाइम तक आपको बस केवल अपने ऊपर ही ध्यान देना है। खास करके आपको क्या करना है, पढ़ाई करना, और इतना भी पढ़ाई नहीं कर लेना है कि ओवरलोड हो जाए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए
तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं? हमने बताया था कि यहाँ पर भाई मेरे क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2x प्लस 1 बाई 3x है, चलो इतना ठीक है। यहाँ हो गया 4x स्क्वायर प्लस का 1 बाई 9x स्क्वायर, तो इसको मैं क्या इस फॉर्म में तोड़ सकता हूँ? बताइए, इसको मैं इस फॉर्म में तोड़ सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। चार किसका स्क्वायर है भाई? दो का। और x का स्क्वायर क्या, x का वर्गमूल x होता है, प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है और x का वर्गमूल x होता है, यानी कि 1 बाई 3x का 2x प्लस 1 बाई 3x का होल स्क्वायर कह सकते हैं। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी साथी को? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये मेरा क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर, तो यानी कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 और गुणे x और गुणे क्या हो जाएगा भाई, गुणे क्या हो जाएगा 1 बाई 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी साथी को? कोई दिक्कत नहीं ना। कितना आ जाएगा, प्लस का 2 गुणे एक्स गुणे का 1 बाई 3x। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मैं मान रखूँगा, यहाँ पर 2x प्लस 1 बाई 3x बराबर कितना दिए हैं, 25 दिए हैं, तो यहाँ पर रख लूँगा मैं 25, ये 25 का हो जाएगा वर्ग और बराबर 2x स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर और प्लस यहाँ 1 का वर्ग 1 रहेगा और 3 का हो जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, 2x और 2x एक कम कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 2x और बटे में क्या हो जाएगा भाई, 3x हो जाएगा, 2x और बटे में क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और x से x यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल भी कर सकते हैं। x से x क्या हो गया, चला गया है, और जब x से x चला गया तो क्या बचा, 2/3 बचा है, 2/3 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग 625 होता है, 25 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो 625 हो जाएगा, वो प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा आपका 2/3 और बराबर का इस तरफ क्या बच गया, 4x स्क्वायर और प्लस का क्या बच गया, 1 बाई 9x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/2 मानेंगे, हर बराबर करेंगे, 3 से नीचे मल्टीप्लाई और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 3 = 15 के 5 हासिल आ गया 1, 3 × 2 = 6 = 7, 6 × 3 हो गया 18, 1875 माइनस का यहाँ हो जाएगा 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा 3, इसका मान निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। और बराबर इस तरफ क्या चल रहा है मेरा, इस तरफ चल रहा है 4x स्क्वायर और प्लस का 1 बाई 9x स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, अगर 1875 से मैं 2 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 1873 और बटे का 3, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1873/3 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ तक अगर किसी भी साथी को भाई कोई दिक्कत हो रही है तो वो आसानी से बता सकता है, जी सर हमको यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं भाई, ऐसा क्वेश्चन आपने लगाया है, ठीक है ना। 1873/3 कितना आ गया, 3 आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट कर सकते हो, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नोट कर सकते हो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए कहीं कहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, तो आप लोग ये टेंशन मत लेना कि सर क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे। तो देखिए मैंने कई बार आपको बताया ये भाई मॉडल पेपर चल रहे हैं, तो मॉडल पेपर में जब पेपर टाइप करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो उसमें ये नहीं ध्यान दिया जाता है कि कैलकुलेशन तेज होगी कि कैलकुलेशन स्लो होगी, यानी कैलकुलेशन आसान होगी कि कठिन होगी। तो चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, अगर पेपर बन गया तो उसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो ये मत दिमाग में सोचना, ठीक है ना। चलिए फिर ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन को और लगाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः क्या दी गई हैं, 5 मीटर 6 मीटर और 7 मीटर, 5 मीटर 6 मीटर और 7 मीटर हैं, और 7 मीटर हैं। और हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, क्या बताना है,
क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। लगाइए क्वेश्चन को भाई, आसान क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने क्लासों को मन से पढ़ा है, अगर आपने सभी क्लासों को भाई मन से पढ़ा है, तब आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है ना। ये समझ लीजिए ये त्रिभुज कैसा है, बस उसी अकॉर्डिंग फार्मूला लगा दीजिए और आसान से उत्तर आ जाएगा। अकॉर्डिंग आपको चलना है किसके, ट्रेंगल के। ट्रेंगल जैसा फार्मूला वैसा वही काम करना है। तो सभी साथी बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। देखिए कुछ साथी मेरे बता रहे हैं कैसे लगाएंगे। हमने देखा कोई एक त्रिभुज है, मैं मान लूँ यहाँ पर ये मेरा एक त्रिभुज है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज मान लिया, इसका मैं नाम रख लूँगा ए बी सी। हमसे कहा गया जिसकी भुजाएँ क्रमशः, कोई भी भुजाएँ मान लीजिए, मैंने मान लिया ये 5 है, ये मेरी 6 है और ये मेरी 7 है। कहा गया 5, 6, 7 त्रिभुज की भुजाएँ हैं, तो ये त्रिभुज कैसा होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, मेरी विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। यही तो कहलाता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, वो मेरा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर होता है, अंडर रूट के अंदर एस, और ये होता है एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, और ये होता है एस माइनस का सी। आपको दिख रहा है ना, मैं देख लूँ एक सेकंड के लिए, आप लोगों को इतना दिख रहा है, हाँ चलिए ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से मैं फार्मूला एक बार फिर से लिख दूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा फार्मूला एस, एस माइनस का ए, और एस माइनस का हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा एस माइनस का सी। जहाँ पर ए बी और सी ये मेरी क्रमशः त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, जहाँ पर ए बी सी है वहाँ त्रिभुज की भुजाएं रखेंगे, और एस से होता है मेरा त्रिभुज का अर्धपरिमाप, तो हमको अर्धपरिमाप की जरूरत पड़ेगी। तो अर्धपरिमाप बराबर होता क्या है, यानी अर्धपरिमाप बराबर क्या होता है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ सकता है। अर्धपरिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2, यानी तीनों भुजाओं का योग को अगर 2 से भाग कर देंगे तो हमको एस की वैल्यू पता चल जाएगी। ये है मेरी 5 और प्लस का 6 प्लस का 7 बटे का 2, यहाँ जोड़ेंगे तो 6, 7, 6, 13 और 13, 5, 18, 18 बटे का हो जाएगा 2, यहाँ काटेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी अर्धपरिमाप कितना आ गया, तो 9 आ गया। जहाँ पर एस है वहाँ पर 9 रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 9 और ब्रेकेट में ये हो जाएगा 9 माइनस का 5 मैंने पहले भुजा रख दिया, फिर हो जाएगा 9 और माइनस का 6 मैंने दूसरी भुजा रख दिया, और फिर हो जाएगा मेरा 9 और माइनस का सी मेरा क्या है 7, ये मैंने रख दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो देखिए मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9 गुड़े 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा, और गुड़े 9 में से 6 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी साथी को नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर, यहाँ पर कितना आ गया मेरा 9 × 4 × 3 × 2 आ गया भाई। इसका क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई, एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर 9 अर्धपरिमाप 9, 9 में से 5 गया तो 4 बच गया, गुड़े 9 में से 6 गया तो 3 बच गया, गुड़े 9 में से 7 गया तो 2 बच गया। यहाँ पर हम दोस्तों मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट के अंदर मेरा कितना आ जाएगा, 9 × 4 = 36 और 36 दुन्ना हो गया 72, 72 का अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 21, कितना आ गया 216 आ गया। कहने का मतलब करड़ी के अंदर कितना आ गया, 216 आ गया। अब आपको करड़ी सॉल्व करनी है, करड़ी सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, तो वो चीज़ समझिए, ये 216 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8, यहाँ काटेंगे तो 2 × 27 = 54, फिर 3 से काटेंगे 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, ये तो हो गया, 2-2 के जोड़े बनाएंगे, ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, प्रत्येक जोड़े से एक लेंगे, 2 × 3 = 6, तो 6 तो भैया बाहर आ जाएगा, 6 तो बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर क्या बच जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा, जिसके जिसके जोड़े नहीं बचे, किसके नहीं बने, एक तो 2 के नहीं बना, एक तो 3 का नहीं बना, तो ये हो जाएगा 2 × 3,
तो कहने का मतलब आंसर आ जाएगा 6√6, कितना आ जाएगा 6√6 वर्ग मीटर, यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो 6√6 वर्ग मीटर, यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। तो आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप लगा है, स्क्रीन शॉट मारिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट मारिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, उसको लगाने का प्रयास करेंगे, क्लियर। देखिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ये करड़ी को सॉल्व करने में, लेकिन करड़ी को सॉल्व करना मैंने आपको बताया है वर्गमूल वाली क्लास में, तो अगर आपको करड़ी सॉल्व करना नहीं पता तो आप 4th सेमेस्टर की क्लास को अटेंड कर सकते हैं, उसमें करड़ी को सॉल्व करना बहुत अच्छे से बताया गया, चाहे वो क्यूब रूट हो चाहे वो स्क्वायर रूट हो, दोनों को बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें लॉजिक क्या लगेगा, कौन सा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, वो चीज़ सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और भाई जितने भी साथियों अभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो एक बार भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि साथ में आप देखते रहें और सीखते रहें, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 144 भागे का 12 और गुणे का मेरा हो जाएगा 8 प्लस का 3 माइनस का 6 गुणे का 2, इसका आंसर बताओ। 144 भागे का 12 गुणे का 8 प्लस का 3 माइनस का 6 गुणे का 2, तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम यूं कह लो तो झपट्टा मार के कर लोगे भैया क्वेश्चन, वेरी इजी, पूरे मॉडल पेपर का अगर सबसे आसान क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है। केवल आपको एक नियम याद रखना है, बोर्ड मॉस नियम से चलना है, और वहाँ यहाँ तो कोई ब्रेकेट भी नहीं है, तो केवल आपको इसको ओ से सॉल्व करना है। तो बोर्ड मॉस नियम मेरा क्या कहता है, बोर्ड मॉस नियम क्या कहता है कि पहले ब्रेकेट सॉल्व करेंगे, ब्रेकेट तो है नहीं कोई बात नहीं, आप सॉल्व करेंगे आप भी नहीं, लेकिन डिवाइड है, भाग है, तो पहले भाग करेंगे फिर गुना करेंगे इस क्वेश्चन में, फिर हम जोड़ करेंगे और फिर क्या करेंगे घटाव करेंगे, 4 क्रियाएं कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, तो देखते हैं क्या उनका आंसर राइट है। तो देखिए सबसे पहले भाग, तो ये इतनी क्रिया भाग की हो गई और कहीं तो भाग है नहीं, अगर 144 का 12 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12, ये 12 बच गया, और यहाँ गुणे का क्या हो गया भैया 8 हो गया, प्लस का भैया 3 हो गया, माइनस का 6 और गुणे का 2, अब मेरा कहीं क्या नहीं बचा, भाग नहीं बचा, तो गुणा कराएंगे 12 हो जाएगा 96 प्लस का ये हो जाएगा 3 और माइनस 6 दुनी हो जाएगा 12, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे माइनस से घटा लेंगे, 96 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99 माइनस का 12, अगर 99 से 12 घटा देंगे 9 से 2 जाएगा 7, 9 से 1 जाएगा तो 8, 87 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एकदम हलुआ क्वेश्चन था भाई, एकदम हलुआ क्वेश्चन था, 87 इट विल बी राइट आंसर, 87 क्या हो जाएगा सर मेरा परम शक्ति आंसर हो जाएगा, 87 मेरा परम शक्ति आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ये 8 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये 8 नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी साथियों का आंसर 87 आ रहा था भाई खेल गए हो इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। बढ़ते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन पे और देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं, उसको लगाने का प्रयास करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक किताब को 9% लाभ पर बेचा जाता है, एक किताब को 9% लाभ पर बेचा जाता है, एक किताब को 9% लाभ पर बेचा जाता है, 9% लाभ पर बेचा जाता है, क्या किया जाता है, बेचा जाता है 9% लाभ पर। क्वेश्चन कह रहा है यदि किताब का विक्रय मूल्य 545 हो, यदि किताब का विक्रय मूल्य, किताब का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों, तो वो दिया गया है 545, नीचे लिख देते हैं 545 हो तो आपको बताना है किताब का क्रय मूल्य, किताब का क्रय मूल्य बताना है, कितना बताना है किताब का क्रय मूल्य बताना, सीपी बताना है। तो ये बताइए क्वेश्चन को, ये बताइए क्वेश्चन को, देखिए मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, आप लोग ये मत समझना कि ये भैया प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये केस मेरे
सिलेबस में नहीं है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन मेरे सिलेबस में नहीं है, तो मैं फिर से आपको बता दूं भैया, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं। और याद रखना, सेकेंड सेमेस्टर में सभी को टाइम मिला नहीं है, तो इससे आपका पेपर हार्ड नहीं आने वाला, आपका पेपर एकदम ईजी आएगा। और ईजी पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थे। तो पहले सेमेस्टर में आपने बहुत तैयारी की थी, बहुत अंदर गहराई तक गए थे आप लोग इसकी तैयारी करने के लिए, तो वहीं से पेपर आ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग दिक्कत मत लेना, केवल आप मन से पढ़ते रहिए। तो देखिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसकी भावनाओं को भैया समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने आपसे कहा कि आपने एक किताब को 9% लाभ पर बेचता है, आपको अपनी किताब 9% लाभ पर बेचना है। तो आपने कहा जी हम बिल्कुल 9% लाभ पर बेच देंगे। आप गए 9% लाभ पर किताब को बेच आए, तो आपको रुपया कितने मिले, तो रुपया मिले 545 मिले। मैंने आपसे पूछा तो ये बताइए मेरे दोस्त, आपने वस्तु को कितने का खरीदा था। तो आप गुणा भाग जोड़ घटाव करोगे कि 9% का लाभ हुआ 545, तो करते क्या हैं ऐसे केसों में, तो वो समझो। तो करते ये हैं कि हमको जब क्रय मूल्य नहीं पता होगा, जब क्रय मूल्य नहीं पता होगा तो हमेशा क्रय मूल्य क्या मानेंगे, हमेशा क्रय मूल्य 100 मानते हैं। मैंने कल ही बताया था, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साझेदारी, ऐसे क्वेश्चनों में अगर हमको कुछ नहीं पता होता तो हम 100 मानकर आसानी से लगाते हैं। अगर एक्स मान के लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हम 100 मान के लगाएंगे। अगर क्रय मूल्य मेरा 100 था और 9% का क्या हो गया, लाभ हो गया, तो कहने का मतलब अगर 100 का हम 9% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 9 रुपये हो गया। 100 का 9% 9 हो गया। क्रय मूल्य मेरा 100 था और 9 का हमको क्या मिल गया, लाभ मिल गया। 9 का क्या मिल गया, लाभ मिल गया। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, हाँ भाई, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस का 9 बराबर का 109। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है। विक्रय मूल्य 109, यहाँ पर विक्रय मूल्य 109 और एक्चुअल में, असल में विक्रय मूल्य कितना दिए हैं, 4545, यानी कि 145। तो कहने का मतलब भाई मेरे, मैं 109 को 545 के बराबर दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। हमसे क्रय मूल्य पूछे हैं तो हम 100% का निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 545 और बट्टे 109 आ जाएगा मेरा किस में, बट्टे में, और 100 बताना था तो 100 की गुणा काटेंगे। 109 से 545 पांच बार में, और 100 पंचे कितना हो गया, 500 हो गया। तो कहने का मतलब क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस 500 रुपया, इट विल बी राइट आंसर। क्या हो गया, 500 रुपया मेरा परम शक्ति आंसर हो गया। किसी भी साथी को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो क्या कर सकता है, आसानी से समझ सकता है। स्टेप बाय स्टेप लगाएं भाई, स्टेप बाय स्टेप लगाएं। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए, फिर 10 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। टोटल मैं आपको 16 क्वेश्चन बताऊंगा, 16 क्वेश्चन में आप हर एक क्वेश्चन में एक एक नई बातें सीखोगे, हर एक क्वेश्चन में आप एक एक नई बातें सीखोगे, ठीक है ना। और नोट कर लेना ऐसे क्वेश्चनों को, और याद रखना आप जैसे ही पेपर देकर आओगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि हमने कितनी अच्छी तैयारी की थी और हमने कितने अच्छा से स्टडी की थी, ठीक है ना। देखिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कहा गया, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:5 का अनुपात है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:5 का अनुपात है। 3:5 का क्या है, अनुपात है। 3:5 का क्या है भाई, तो वो अनुपात है। अब क्वेश्चन कहा गया हमसे, क्वेश्चन यदि आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो, 1500 वर्ग मीटर हो, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आयत का परिमाप बताओ, आयत का परिमाप बताओ, आयत का परिमाप बताओ। लगाइए क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है बस आपको। क्वेश्चन में फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:5 का अनुपात है, यानी 3 और 5 का अनुपात है। कहा गया आयत का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है, तो हमको आयत का परिमाप बताना है। क्या बताना है दोस्तों, आयत का परिमाप बताना है, तो बता सकते हो आसानी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ गए हो मेरे दोस्त, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ गए हो तो खेल सकते हो क्वेश्चनों के साथ, खेल सकते हो क्वेश्चनों के साथ। और मैं बता दूं, ये सभी क्वेश्चन में आपके भैया अलग के हैं, ये कहने का मतलब आपके किसी भी पब्लिकेशन बुक में नहीं मिलेंगे। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इस टाइप के मिलेंगे, लेकिन ऐसे लैंग्वेज का क्वेश्चन और ऐसे अंकों का क्वेश्चन आपके पेपर में या आपके बुक में या आपके सीरीज में नहीं मिल सकता है। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, मेन चीज आपको सीखना है तो कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, कैसे उसका आंसर हम लोग बताते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, हमने आपसे क्या बताया था कि जब कभी एरिया, क्षेत्रफल या फिर परिमाप की बात करेगा, जब कभी क्षेत्रफल या फिर परिमाप की बात करेगा तो हमको क्या पता होना चाहिए, भुजा पता होना चाहिए, भुजा पता होना चाहिए। ये तो हो गई वर्ग की बात, लेकिन अगर आयत की बात पता होगी तो आयत में हमको लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं क्षेत्रफल कितना होगा, परिमाप कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका तो बहुत अच्छा फंडा है, देखो कैसे लगा सकते हो, देखो कैसे लगा सकते हो। मैंने माना यहाँ पर हमको लंबाई चौड़ाई पता नहीं है, तो मैं मान लूंगा, माना आयत की लंबाई चौड़ाई 100 हो जाएगी, आयत की लंबाई 100 हो जाएगी और चौड़ाई भी 100 हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अनुपात दिया गया है, अनुपात, तो आयत की लंबाई फिर से क्या हो जाएगी भाई, जब अनुपात दिया गया है तो अनुपात x से लंबाई का अनुपात दिया गया 3, तो ये हो जाएगा 3x, और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 5, तो वो हो जाएगा 5x। कोई प्रॉब्लम तो यहाँ तक किसी को नहीं है, केवल आप ये समझ लीजिए अनुपात में मैंने x को सटाया है बस, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है भैया लंबाई और गुणे का क्या होता है, चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल दिए हैं 1500, तो हम रख लेंगे यहाँ से 1500, और यहाँ पर हमको लंबाई दिए गए कितना हो जाएगा, तो लंबाई दी गई हमको 3x और गुणे चौड़ाई दी गई हमको 5x, यही तो 3x 5x, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 5 3 हो जाएगा 15x², और यहाँ हो जाएगा मेरा 1500, 15 गुड़े में इस तरफ आएगा बट्टे में, तो ये 1500 डिवाइडेड बाई 15 और बराबर का इधर बच गया x². यहाँ काटेंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 15 से काटेंगे 1500 तो 100 बार में जाएगा, तो कहने का मतलब x² = 100 आ जाएगा, यही तो x² = 100, तो x बराबर भाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा, इधर करड़ी में आएगा, और करड़ी 100 किसका है वर्गमूल, 100 का वर्गमूल 10 का है। अगर मेरे दोस्त एक बात समझना, अगर हमको x बराबर पता चल गया, x बराबर, तो लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं, लंबाई थी 3x, चौड़ाई थी 5x, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 3 × x का मान आया है 10, तो ये हो गया 10, और आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो आयत की चौड़ाई हो जाएगी 3 × 5, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 50, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी साथी को, कंसेप्ट चल रहा है भैया, कंसेप्ट सीखिए बस। लंबाई आ गई 30, चौड़ाई आ गई 50, क्योंकि 10 × 30 और 10 × 5 = 50। अब आयत का परिमाप बताना था, तो आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप होता क्या है, तो आयत का परिमाप होता है 2 और लंबाई धन का चौड़ाई, यही तो होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो यहाँ पर मान रखेंगे 2, ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई कितना आ जाएगा 50, 30, 80, ये हो जाएगा 80, अगर 80 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 × 16,
160 आंसर आ जाएगा, 160 मीटर मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो 160 मीटर इट विल बी राइट आंसर, 160 इट विल बी राइट आंसर, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 160 इट विल बी राइट आंसर, 160 मीटर हमारा परम शक्ति आंसर आ जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो पूछ सकता है कि सर ये कैसा लॉजिक है, फिर से समझिए, जब कभी रेशियो में क्वेश्चन आएगा, किसमें रेशियो में क्वेश्चन आएगा अनुपात में, और हमको लंबाई चौड़ाई नहीं पता होगी तो सिंपल अनुपात में हम क्या करेंगे एक्स हटा लेंगे, लंबाई 3x चौड़ाई 5x, तो लंबाई 3x चौड़ाई 5x हमको क्षेत्रफल दिया गया था, लंबाई गुणे चौड़ाई तो 5 × 15x² = 1500, क्योंकि हमको क्षेत्रफल दिया गया, तो x² = 1500/5 = 100, x² = 100 तो x = 10, अगर x = 10 तो लंबाई 30 चौड़ाई 50, क्षेत्र परिमाप बताना था, दो लंबाई धन चौड़ाई 50 30 80 का 200 गुणा करेंगे तो 160 मीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर भाई आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के संग शेयर कीजिए, क्योंकि अभी 6 क्वेश्चन आपको कराएंगे। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं कहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहा गया है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सभी साथियों ने स्क्रीन शॉट ले लिया ना, ले लिया, बढ़ते हैं हम लोग भैया 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्लियर दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए डेली अब जब तक आपके पेपर नहीं होंगे तब तक ऐसा ही मॉक टेस्ट आपका चलता रहेगा, ऐसी ही जबरदस्त स्टडी आपकी चलती रहेगी, तो टेंशन काहे को ले रहे हैं भैया, आसानी से आप लगाइए बस। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 6 मित्रों के भार क्रमशः हमको दिए गए हैं, 6 मित्रों के भार क्रमशः कितने दिए गए हैं, 40 kg, 43 kg, 47 kg, 44 kg और फिर दिया गया 46 kg, उसके बाद दिया गया आपको 47 kg, फिर दिया गया आपको 50 kg, फिर दिया गया 50 kg हो तो भार की माध्यिका बताओ, भार की माध्यिका बताओ, माध्यिका बताओ, लगाइए क्वेश्चन को, भार की क्या बताना है, माध्यिका बताना है इस क्वेश्चन को, लगाइए और बताइए क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन को लगाइए और बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है भाई, लगा सकते हो, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से लगा सकते हो, आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना, चलिए फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। देखिए जब कभी माध्यिका पूछेगा तो हमको पता है, अगर सारणी में नहीं है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन मेरा सारणी में नहीं है तो आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे, यहाँ तो हमको वर्गीकृत लग रहे हैं, अगर नहीं लग रहे हैं तो फिर भी हम लोग लिख लेंगे आंकड़े, हम लोग आंकड़े लिख लेंगे, आंकड़े देखें कौन कौन से आंकड़े हैं, तो सबसे छोटा आंकड़ा मेरा 40 हो जाएगा, उससे बड़ा मेरा 43 हो जाएगा, यानी 40 हो गया 43 हो गया, और 43 से बड़ा मेरा 44, ये तो वर्गीकृत लग रहे हैं भैया, 44 से बड़ा हो जाएगा 46, तो ये हो जाएगा 46, 46 से बड़ा हो जाएगा 47, और 47 से बड़ा हो जाएगा 50, ये आंकड़े हो गए, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी n बराबर कितना है, तो n बराबर 6 जो कि क्या है मेरी एक सम संख्या है, क्या है मेरी एक सम संख्या, और सम संख्या जब होती है तो माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, n/2 प्लस का n/2 प्लस का 1वां पद, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके आगे का स्टेप यहाँ देखिए, n कितना है 6, 6 का 2 से भाग करेंगे 3वां पद, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 3वां पद और प्लस यहाँ n बराबर 6, 6 को 2 से भाग करेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, हो जाएगा 4वां पद, 3वां पद प्लस का 4वां पद और बटे में 2, वहाँ रखेंगे तीसरा पद कौन सा है 1 2 3 44 है तीसरा पद, और चौथा पद कौन सा है भैया 1 2 3 यानी 46 है मेरा चौथा पद,
और बटे में क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे 40 40 80 और 6 4 10, ये हो जाएगा 90 और बटे का 2। अगर 90 को 2 से काटेंगे तो माध्यिका बराबर 45, इट विल बी राइट आंसर। माध्यिका कितनी आ जाएगी सर, 45 आ जाएगी मेरी राइट आंसर, 45 इट विल बी करेक्ट आंसर। तो भैया नोट कर लीजिए, फिर 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। नोट कर लीजिए, फिर 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। टोटल में 16 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 16 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा, तो टेंशन मत लेना भाई मेरे, आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से लगा लोगे। मेन फोकस आपको करना है तो करना है कंसेप्ट पर। मैं बार बार बता रहा हूँ, कंसेप्ट सीखिए, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट में बहुत शक्ति है भाई मेरे, तो कंसेप्ट सीखिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगते चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। मैथ इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट होती है। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। और भाई कंफ्यूजन किससे नहीं होती है, मैथ लगाओगे तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि अगर चीजें थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो आंसर बदल जाएगा। अगर आपने प्लस माइनस का खेल भी नहीं समझा, थोड़ा सा प्लस माइनस कर दिया तो भाई आंसर बदल जाएगा, जो कि हमसे भी कई बार हो जाता है, जो कि हमसे भी कई बार हो जाता है, ठीक है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, समीकरण हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, समीकरण, समीकरण 8.5x बराबर 3.5x प्लस का 625 में, 625 में एक्स का मान बताओ, एक्स का मान बताओ। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड में उड़ा सकते हो, 2 सेकंड में आप इसको उड़ा सकते हो, क्या आ जाएगा आंसर। तो सभी साथी बताएंगे कितना आंसर आ जाएगा, 8.5x बराबर का 3.5x प्लस का 625। तो मैंने बताया था कि आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको चर का मान निकालना है, तो चर वालों को एक तरफ, यानी कि 8.5x, ये 3.5x प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में 3.5x बराबर का कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। कोई दिक्कत, अगर 8.5 से 3.5 घटा देंगे तो टोटल कितना बच जाएगा भाई, 5 बच जाएगा, हाँ 5 बच जाएगा, 5x बराबर का 625, ये तो बच जाएगा 5x बराबर 625। क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आया, अगर 8.5 से 3.5 घटाओगे तो 5 बचेगा, 5x बराबर 625, तो x बराबर 625 और डिवाइडेड बाई 5, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, x बराबर कितना आ गया, 125, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, x बराबर 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर की जांच करने के लिए कहा नहीं गया था, सो मैं नहीं करूंगा, उत्तर की जांच जब कहेगा तभी करेंगे, ठीक है ना, तभी करेंगे उत्तर की जांच। तो नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। फिर पहुंचते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा लेवल भाई अप कर रहे हैं, अब थोड़ा सा चीजों को ज्यादा करके आपको बता रहे हैं, तो भाई मेरे कंसंट्रेट रहना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, और नए आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जैसे ही आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर खत्म होगा, जैसे ही आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर खत्म होगा, थर्ड सेमेस्टर उसके तुरंत बाद से चालू हो जाएगा, और थर्ड सेमेस्टर में इतना प्रैक्टिस करा देंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपके दिमाग में सब छप जाएगा, एक तरफ से छप जाएगा, पूरा प्रिंटर बन जाएगा आपका माइंड, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, और उसको लगाने का प्रयास करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। अभी 4 क्वेश्चन बचे हैं, 16 बताऊंगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी बड़ी भुजा, एक समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा, एक समकोण त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है, कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का एरिया बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, क्या बताना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है।
क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल बताइए, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है ना। हाँ, थोड़ा सा, इतना सा लैंग्वेज का फर्क है। अगर आपने समझ गए तो आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हो, एकदम जरा सा फर्क है। देखिए कैसे, देखिए लगाते हैं क्वेश्चन को, है ना, साथ में लगाते हैं, प्रयास करते हैं। त्रिभुज कैसा है भाई? समकोण त्रिभुज है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर समकोण एक त्रिभुज बना लूँ, एक मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया, ये हो गया मेरा समकोण। इसका नाम रख लूँगा ए बी और सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? समकोण त्रिभुज बना लिया, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। ये मैंने आपको ट्रायंगल वाली क्लास में बताया था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती? कर्ण होती है। कर्ण यानी ठीक 90 अंश के सामने की भुजा, ये कर्ण, इसकी लंबाई दी गई 13, तो ये हो जाएगी 13 हो जाएगी। और बाद में बताया गया ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये लंब, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब हमसे इसकी लंबाई नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात समझिए, समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, नीचे लिख रहे हैं हम, 1/2 गुणे हाइट गुणे का बेस, 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे आधार। तो क्या आधार पता है? नहीं पता है। आधार पता है? नहीं पता। तो आधार नहीं पता है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। याद होगा आपको पाइथागोरस परिमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर, क्या होती है भाई? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है? आधार स्क्वायर। सभी को पता होगा, 7-8 से पढ़ते आए, मैंने भी कई बार बताया। कर्ण कितना है? 13, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर लंब 5 का वर्ग, तो ये 5 का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर। हमको बताना, क्योंकि आधार पता करेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल, 13 का वर्ग होता है 169, ये 5 का वर्ग 25, इधर आ जाएगा माइनस में, उधर बच जाएगा आधार स्क्वायर। क्या बच जाएगा? आधार स्क्वायर। 149 से 25 जाएगा भाई, तो 144 बच जाएगा, है ना। 144, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 144, 144 से करणी के अंदर आ जाएगा और इधर आ जाएगा आधार। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा भाई? 144 किसका है भाई? तो 12 का है भाई। कितने का है भाई? 12 का, यानी इसकी लंबाई 12, आधार कितना आ गया? 12। अब रख दीजिए यहाँ पर, देखिए 1/2 गुड़े हाइट कितनी, ऊंचाई कितनी दी गई है? 5, तो ये हो जाएगा 5, और गुड़े बेस कितना दिया गया, तो बेस देखिए कितना आया है, 12, तो ये रख देंगे 12। काटेंगे 2 से तो 6 बार में जाएगा 12, 6 × 5 = 30, 30 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। 30 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 30 वर्ग मीटर आ जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझिए, अगर यहाँ पर कर्ण ना पता होता, अगर यहाँ पर कर्ण ना पता होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कर्ण का जिक्र ही नहीं होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में कर्ण का जिक्र नहीं होता। अगर आधार और ये ऊंचाई पता है, जिसको शीर्ष लंब बोलते हैं, तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, 1/2 गुड़े हाइट गुड़े बेस, यानी 1/2 गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई से। तो ये सबको पता होगा, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पर आधार नहीं पता था, तो मैंने पाइथागोरस से पहले आधार निकाला, आधार को इसमें रखा, ऊंचाई पता थी, तो 30 कितना आ गया? 30 वर्ग मीटर मेरा राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। सेंटीमीटर आया भाई, ये मीटर नहीं आया है, सेंटीमीटर आया, ठीक है ना दोस्तों। क्या आया? सेंटीमीटर, क्योंकि पैमाना मीटर, सेंटीमीटर मैंने मीटर लिख दिया। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया था 2019 में, ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम ऐसा क्वेश्चन 2019 में आया था। अब जो 14 नंबर करने जा रहे हो, ये आपका 2019 में आया था, और देखिए ये हमसे पूछा भी किसी ने था, ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है, ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है। तो 14 नंबर क्वेश्चन भाई कह रहा है 2x + 1/2x = 4, 2x प्लस का 2 + 1/x = कितना है? 4। 2x प्लस का 1/2x = 4, 2x प्लस का 1/x = 4 हो तो हमसे पूछा क्या गया है? तो पूछा क्या गया है? x³ + 1/x³ + 1/8x³ का मान, 8x³ का मान बताओ, मान बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा भाई जहर हो सकता है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो सकता है, बस
थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आसानी से लगा सकते हो, आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, पहले समझिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, लॉजिक क्या कह रहा है। यहाँ पर बात है 2x की, और ये 2x को हमको यहाँ पर लाना है, क्योंकि 2 का क्यूब 8x होता है, x का क्यूब x क्यूब, तो हम इससे चलेंगे, इससे तो इससे चलेंगे 2x प्लस का 1x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, ये दो गुड़े में इस तरफ जाएगा बटे में, ये दो गुड़े में इस तरफ जाएगा बटे में, तो कहने का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स प्लस का 1x बराबर का ये 4 2 इधर आएगा भैया, तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अरे यार 4/2 यार लो कट गया तो 2 आ गया, यानी x प्लस का 1x बराबर का क्या आ गया, 2 आ गया, यही तो आ गया। अब इसको x प्लस 1x को हमको इसके फॉर्म में तोड़ना है, इसके फॉर्म में तोड़ना है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, मैं x क्यूब प्लस 1/8x³ को क्या कह सकता हूँ, तो मैं इसको कह सकता हूँ सर x प्लस का 1 बाई ओके बाद क्या आ जाएगा 8, यानी कि 8 का किसका है, 2 का, ये x का होल क्यूब, ये x का होल क्यूब, और ये वाला 2 यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ये वाला 2, क्योंकि हम इसी को भी तो यही कह सकते हैं कि x प्लस 1/2x बराबर का 2। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस का b क्यूब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1/2x का क्यूब, यही तो हो जाएगा। समझिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर भैया a प्लस b का होल क्यूब है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब यानी का x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1/2x का क्यूब हो जाएगा, या सीधे यहाँ पर 8x³ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सीधे 8x³, क्योंकि 2 का क्यूब 8 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 गुड़े a है मेरा x, और गुड़े का क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, और ब्रैकेट में a प्लस b होता है यानी x प्लस का 1/2x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी साथी को नहीं, मान रखो x प्लस 1/2x बराबर 2 है, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब, ये ऐसे रहेगा क्योंकि इसका मान ही बताना है, प्लस का 1/8x³, और प्लस 3 का x से गुणा करेंगे 3x, 3x/2 का क्या हो जाएगा, 3x/2 2x हो जाएगा, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट x से x कैंसिल, x प्लस 1/2x बराबर 2, तो यहाँ पर गुणे में आ जाएगा 2, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 3 बचा, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 4 × 8, ये बच गया 8, और ये 3 मेरा प्लस में, इस तरफ आएगा माइनस में, और इस तरफ क्या बच गया, x क्यूब प्लस का 1/8x³। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमें पता है ये क्वेश्चन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा इस टाइम, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, क्यों है, क्योंकि आपने मन से नहीं समझा है। आप कल क्या करना, नोट कर लेना 14 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को फास्ट में करके 14 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखना, अकेले देखना और मन से देखना, ईयरफोन को कान में लगा के देखना, तो देखना आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अभी केवल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जाके लिख देना कि सर 14 नंबर क्वेश्चन आप दोबारा से बता दीजिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन को मैं दोबारा से बता दूंगा। तो ये आप लोग दिन में मत रखना कि सर नहीं बताओगे, मैं कमेंट नहीं रीड करता हूँ, लेकिन मैं बाद के कमेंट जरूर रीड करता हूँ, उसके ऊपर मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर यानी 15 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और देखते हैं भाई मेरे में 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, सभी साथियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, और भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में और क्वेश्चन को सॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो केवल आप लोगों के लिए ही करना पड़ता है। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक भी नहीं कर सकते हैं भाई, तो फिर ये तो भाई बुरी बात है, वीडियो को लाइक जरूर किया करो दोस्तों, और दोस्तों के संग शेयर भी किया करो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो,
जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। कितनी है सर? तो 30 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज, कोण नहीं बाहु है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। तो भाई ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए और प्रयास करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रयास करिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो समबाहु त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, है ना, बिल्कुल नहीं है आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अगर आपको समबाहु त्रिभुज का एरिया का फार्मूला पता है तो आसानी से लगा सकते हो। देखिए कैसे लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो मेरे को पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे का भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, बटे का 4 हो जाएगा, गुणे भुजा कितना है भाई, 30 है, ये तो है 30, तो ये हो जाएगा 30 और गुणे का 33 का स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो √3/4 और गुणे का 30 का वर्ग, 3 त्रिका हो गया 9 और 2 0 900 काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 8, 1 बज गया, कितना हो गया भाई यहाँ पर 10 हो गया, और 4 × 8 हो गया, 2 बज गया 20 हो गया, तो 4 × 5 = 20 हो गया, तो कितना आ गया 225√3, कितना आ जाएगा 225√3 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, वो भी वर्ग मीटर, 225√3 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा, 225√3 वर्ग मीटर आपका क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। कोई यहाँ तक दिक्कत किसी भी साथी को यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत लग रही है तो पूछ सकता है, कितना आ गया 225√3 आपका राइट आंसर हो गया, कितना हो गया 225√3, ठीक है ना भाई। मैंने कुछ नहीं करना है, फार्मूला को रीड करे हो, अगर फार्मूला याद है तब तो काम हो गया। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि मेरा हो जाएगा लास्ट नंबर क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट किए हो ऐसा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग लास्ट नंबर अपने क्वेश्चन पे, फिर मिलेंगे एक नए कल जबरदस्त मॉक टेस्ट के साथ, मॉडल पेपर के साथ, ठीक है ना। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 16 नंबर कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समकोण भाई अभी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या करना है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन कहा गया है, आगे क्वेश्चन क्या कहा गया, जिसकी कर्ण भुजा 25 सेंटीमीटर तथा आधार कितना दिया गया है, तो आधार दिया गया है भाई 7 सेंटीमीटर हो। अब लगाइए दोस्त, लगा दीजिए भाई फटाफट से क्वेश्चन लगा दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी कर्ण भुजा यानी सबसे बड़ी वाली भुजा 25 सेंटीमीटर तथा आधार यानी कि बेस आपका 7 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज की अभी क्वेश्चन बताया है, तो दिक्कत मत लेना, लगा के दिखाना क्वेश्चन को, निराश नहीं करना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर बताना, एकदम आसान क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक कह रहा है कि आप लगा लोगे भाई, कैसे लगा लोगे, हमने बताया कि अगर आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो भैया 50% काम तो खत्म ही मानो, उसको खत्म ही मानो। तो कैसे लगाएंगे हम, सबसे पहले एक क्या बना लेंगे, राइट एंगल बना लेंगे यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये मैंने मान लिया एक मेरा समकोण त्रिभुज है, इसका नाम मैंने बी रख लिया, इसका नाम ए रख लिया, इसका नाम सी रख लिया। अब हमको पता है कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है जो कि समकोण में सबसे बड़ी हो जाती है,
तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसके रखेंगे तो समकोण त्रिभुज की हमारी कर्ण भुजा कितनी है 25, तो ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। आधार यानी कि जमीन सटा हुआ कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये भुजा हमको पता नहीं है। तो क्या क्षेत्रफल में इस भुजा का प्रयोग होता है? यही तो क्वेश्चन दिमाग में उठेगा कि क्षेत्रफल में क्या इस भुजा का प्रयोग होता है। हाँ होता है, देखो कैसे होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आपको पता है, 1/2 और गुड़े का हाइट गुड़े का बेस, 1/2 गुड़े का आधार गुड़े का ऊंचाई। तो यहाँ कहने का मतलब हमको ऊंचाई पता होनी चाहिए, यानी कि हमको शीर्ष लंब पता होने चाहिए। तो शीर्ष लंब पता होने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर का आधार स्क्वायर, पाइथागोरस त्रिक सबको पता होगी, प्लस का लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, आधार हमको बताना है तो आधार हमको दिया गया 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और प्लस का क्या हो जाएगा मैं लंब स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऊंचाई का स्क्वायर। ये प्लस में इधर माइनस में, तो 625 माइनस के हो जाएगा 49 और बराबर का उस तरफ हो जाएगा लंब का स्क्वायर। यहाँ घटाएंगे 15 में से 9 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बच जाएगा, 576 बराबर क्या हो जाएगा भैया, लंब स्क्वायर आ जाएगा। 576 यानी कि लंब हटाएंगे तो करड़ी सटाएंगे तो 576 किसका आ जाएगा, 24, यानी लंब कितना आ जाएगा भाई, तो 24 आ जाएगा। अगर देख लीजिए नहीं पता है आपको निकालना, तो 24 × 24 करके देख लीजिए क्या 576 आ रहा है, तो 4 × 4 हो जाएगा 16, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 = 16 और 16 × 1 = 17, 2 × 2 = 4 = 5, 576 यानी कितना आ रहा है अगर 24, कहने का मतलब ऊंचाई कितनी आ गई 24 आ गई, लंब 24 आ गया। तो सीधा रखिए यहाँ पर 1/2 गुड़े हाइट, ऊंचाई कितनी है 24 और गुड़े बेस कितना है सर, तो बेस है 7, काटेंगे 2 से तो 12 में और 12 × 7 कितना होता है 84 वर्ग मीटर। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, परम शक्ति आंसर आ जाएगा 84 वर्ग मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 12 × 7 = 84 वर्ग मीटर, इट विल बी राइट आंसर। तो टोटल आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए भाई, तो 16 क्वेश्चन बताए। और ये मेरा था क्या, ये मेरा थर्ड मॉडल पेपर था, ये मेरा थर्ड मॉडल पेपर था। और कल इसी टाइम 8 बजे, इसी टाइम 8 बजे आपका चौथा मॉडल पेपर लेकर आऊँगा पूरे 16 क्वेश्चनों के साथ। आप लोग सोच रहे होगे सर पेपर में तो 18 क्वेश्चन आते हैं, यही सोच रहे होगे ना, तो 18 आते हैं जिसमें 5 आपके बहुविकल्पी होते हैं, और बहुविकल्पी मैं कराता नहीं हूँ, तो फिर भी मैं आपको 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं कल एक जबरदस्त सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।